叮叮叮，叮叮叮，叮叮叮，叮叮叮。हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं तग्गू राजस्थानी। दोस्तों, आज सुबह सुबह बहुत मजा आएगा क्योंकि आज सुबह सुबह देसी खाना मिल गया, बाजरी की रोटी, दाल, दही और कढ़ी। तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले तो अपने देसी मारवाड़ी में कहते हैं झारा, सुबह सुबह झारा कर लिया, मतलब खाना खा लिया सुबह सुबह, और शरीर में भी ऊर्जा आ गई है। अब वीडियो बनाने का मजा आएगा और ही अलग। तो दोस्तों, आपने भी खाना नहीं खाया है तो आप आ सकते हो और सुबह सुबह झारा कर लेते हैं, बाजरी का रोटा, प्याज, दाल, कड्डी और दही। फिर बनाते हैं वीडियो और ब्लॉग बनाते हैं। और आप कैसे हो दोस्तों, सब मस्त हो? अब झारा आरा करके थोड़ा मार्केट ऑफिस जाना है और मार्केट भी जाना है, तो चलते हैं आज के सुबह के टूर पे। और ये हमारा बाड़मेर का बाज़ार का नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप पहचान सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये नज़ारा कहाँ का हो सकता है, बाड़मेर में कौन सी जगह है। दोस्तों, सुबह सुबह ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बाजरे के रोट दबा के पेट आज फुल है कब। और अब हम बस में ऑफिस जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा बसों में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है और हमारी बस में तो आज भीड़ बहुत कम थी, सीटें खाली पड़ी थी। तो मुझे मज़ा आ गया कि मैं क्यों ना यहाँ मौके का फ़ायदा उठा लूँ और ब्लॉग बना लूँ। तो मैंने वीडियो शुरू कर दिया और यहाँ का सीन ले लिया। बहुत शानदार सीन आया है, पास में हरियाली, क्योंकि अभी बारिश हो रखी है, 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी। तो शानदार सीन आपको दिखा रहा हूँ। आपको पसंद आवे तो कमेंट बॉक्स में लिखना और मुझे बताना। दोस्तों, आज मैं थोड़ा काम में इधर उधर बिजी था इसलिए जल्दबाजी में वीडियो बनाया है। तो ये मेरा ऑफिस के रास्ते का सीन है। वैसे मैं कभी कभार बस में भी जाता हूँ और जो भी साधन होता है उस साधन से मैं चला जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं बसों में ही ऑफिस जाता हूँ क्योंकि बस में कोई रिस्क नहीं होती है। काफ़ी आपको पता ही है, अब तो मामला रिस्की चल रहा है। और अब मैं ऑफिस से वापस आया हूँ तो आज मेरा मूड है कि कैरम बोर्ड खेलते हैं और इन भाई साहब के साथ में बैठ के कैरम बोर्ड खेलने, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद कैरम बोर्ड पढ़ा था तो मैंने कहा चलो कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो दोस्तों, आप कैरम बोर्ड कैसे खेलते हैं? मुझे वैसे ज़्यादा तो खेलना आता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं कैरम बोर्ड खेल लेता हूँ। तो देख के कैसा शानदार चॉट मारा और गोटी के ऊपर गोटी जा रही है, लास्ट में गेम तो मैं ही जीता हूँ भाई साहब। अब गेम जीतने, अब कैरम बोर्ड वाला तो मैं गेम जीत गया हूँ, बाकी गेम में देखो बड़े बड़े गेम हैं, कैसे जीतते हैं कैसे नहीं जीतते हैं। चलिए दोस्तों, ये भाई साहब क्या होता है इसमें, इसमें आज किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। तो दोस्तों, मैच तो आज कैरम बोर्ड का मैच जीत गया हूँ, बहुत मज़ा आया कैरम बोर्ड खेलने में। आप कौन कौन लोग कैरम बोर्ड खेलते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कैरम बोर्ड फ्री होते हैं तो कैरम बोर्ड खेलने का बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टेड गेम है। लेकिन इसमें बदमाशी नहीं करनी पड़ती है, सीधा खेलने तो मज़ा आए, नहीं तो कई लोग क्या बदमाशी कर लेते हैं, बराबर रूल्स का पालन नहीं करते हैं। या मैं धड़ाधड़ गोटियाँ ले रहा हूँ और चौट के ऊपर चौट, जीत हो गई है हमारी। पैसा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन
सफलता हासिल नहीं कर रहे पा रहे हैं, बहुत ही ज़ोरदार चोट। लेकिन ये रेड वाली गोटी लेने के लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ काफ़ी, और मैंने रेड वाली गोटी ले ली है। अब देखते हैं, इसमें शर्त भी रखी हुई है, अब क्या शर्त रखी वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करोगे तो मज़ा आएगा। और दोस्तों, ये छोटू है, एक गाड़ी का बड़ा शौकीन है, ये मेरा भौनिया है, और इसको गाड़ी को दौड़ाता है हद से ज़्यादा। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।